आइए देखते हैं किस तरीके से हमारे बर्तन पे काम करता है। ये मेरे पास कढ़ाई है, अगर आप कुछ बना रहे हो और ये बहुत गर्म हो गया है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से आप पकड़ के और गैस से जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य हम खुद लिख सकते हैं। अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती हैं। नमस्कार, हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इस टीचर सर में। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे ओपन टो फुट को हम मशीन में कैसे इंस्टॉल करेंगे और ये हमारे कपड़े पे किस तरीके से काम करेगा। मैं इससे आपको एक पूरा प्रोजेक्ट करके दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे ओपन टो फुट के बारे में। ये मेरे पास दो फुट है, दोनों एक ही काम करता है और एक ही जैसे है। ये जो फुट है वो है स्टील का और ये दूसरा जो फुट आप देख रहे हैं ये है क्लियर प्लास्टिक। दोनों से एक ही तरीके का काम होता है, वो है एम्ब्रॉयडरी। आप इसे एप्लिक कर सकते हैं पैच वर्क और भी तरीके का आप इससे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। इसको हम मशीन में कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये किस तरीके से कपड़े पे काम करता है, आज इसी फुट से मैं आपको एक प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगी जो कि आपके किचन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब हम इसे मशीन में इंस्टॉल करके देखते हैं। नीडल ऊपर होना चाहिए, ये फुट स्नैप ऑन फुट है। इसको मशीन में लगाने के लिए हमें स्क्रू को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेशर फुट लिफ्टर को ऊपर की तरफ रखेंगे, नीडल ऊपर होना चाहिए और इस तरीके से हम फुट को यहाँ पर रखेंगे। प्रेशर फुट लिफ्टर को हम इस तरीके से दबाएंगे नीचे की तरफ। देखिए हमारा फुट लग चुका है इस तरीके से। सामने जो इतना स्पेस दिया हुआ है पूरा ये ओपन है, इसीलिए इसको हम ओपन टो फुट बोलते हैं। आइए इसका इस्तेमाल देखते हैं कि ये कपड़े पे किस तरीके से काम करता है। आज मैं आपको ओपन टो फुट से किचन के लिए बहुत ही उपयोगी चीज बताने जा रही हूँ। किचन में हम छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े रखते हैं गर्म बर्तन उतारने के लिए, जो कि देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। आज मैं आपको घर में पड़े हुए पुराने कपड़ों से मैं बहुत ही अच्छा सा एक चीज बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पतीले को कढ़ाई को बहुत ही आराम से उतार सकते हैं और एक किचन में कहीं भी आप इसे हैंगिंग भी कर सकते हैं, जो देखने में बहुत अच्छा भी लगेगा। ये हमने हाफ सर्कल बनाया है, ये 22 सेंटीमीटर का डायमीटर है इसका और 11 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ये हमने हाफ सर्कल बना लिया है पेपर पे, आपको भी ऐसे ही करना होगा। अब हम इसका कटिंग करते हैं, उसके बाद हम इस पेपर को रखते हुए अपने फैब्रिक को कट करेंगे। हमने पेपर कट कर लिया है, अब इसी को रखते हुए हम अपना फैब्रिक कट करेंगे। अगर आप जींस के पैंट वगैरह जो पड़े होते हैं पुराने हो जाते हैं रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, उसका अगर आप बना रहे हैं तो आपको पेपर पेस्टिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने यहाँ पर वो थिक वाला बोकरम लगाया हुआ है क्योंकि मेरा कपड़ा बहुत हल्का है। या अगर आप बुकरम नहीं लगाना चाहते तो आप इसे 3 से 4 लेयर कपड़े में बना लीजिए,
ऊपर का जो लेयर है वो आप किसी अच्छे नए कपड़े का डाल लीजिए, अंदर का जितना भी आप दो लेयर तीन लेयर डालना चाहते हैं वो किसी भी पुराने कपड़े को आप कट करके डाल सकते हैं, या फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हल्का कपड़ा है तो। अब हम इस तरीके से पेपर को इसके ऊपर रखेंगे और चौक की सहायता से ड्रॉ कर लेंगे। हमें हाफ इंच का मार्जिन या क्वार्टर इंच का जितना आप मार्जिन लेना चाहते हैं उतना मार्जिन हमें इस पेपर के बाहर बाहर चारों तरफ से लेना होगा। आप इसे एक दो जगह पिनअप कर लीजिए ताकि कपड़ा और पेपर इधर उधर ना हो कटिंग करते समय। ये हमने चौक से मार्किंग कर लिया है, अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। और हमें जितना भी मार्जिन लेना है इस मार्किंग के बाहर बाहर हमें क्वार्टर इंच या हाफ इंच का मार्जिन चाहिए होगा जब हम स्टिचिंग करेंगे। ये दूसरा जो लेयर हमें कटिंग करना है उसको भी हम इसी को रखते हुए बराबर से कटिंग करेंगे। ये हम देख सकते हैं जो हमने मार्किंग किया है चौक से उसके बाहर बाहर हमने क्वार्टर इंच का मार्जिन सब तरफ से लिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर एक पैच लगाना है जो मैं अलग कलर के कपड़े का लगाना चाहती हूँ, उसके लिए हमें एक फ्लावर कट करना है। उसको हम कैसे कट करेंगे आइए वो भी देखते हैं। मैंने यहाँ पर 6 इंच बाई 6 इंच का ये पेपर लिया है, बिल्कुल चारों तरफ से इक्वल होना चाहिए। उसको हम क्या करेंगे इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे ऐसे। एक बार और देख लीजिए, ये पेपर को हमने खोला, अब हम एक कोने से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और ध्यान रहे ये कॉर्नर बिल्कुल बराबर हमारा मिलना चाहिए। हमने एक फोल्ड किया, अब हम फिर से इस तरीके से सेंटर से पकड़ेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। पेपर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। पहले हमने पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर यहां से सेंटर से हमने इस तरीके से फोल्ड किया, फिर यहां से सेंटर से हम ये जो नोक बना है समोसे का यहां से फिर फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और अच्छे से इसको पेपर को हमें सेट करना है, फिर एक बार उसी तरीके से फोल्ड करना है। ये जो नोक ऊपर बना हुआ है उसी का सेंटर लेते हुए हमें एक बार और फोल्ड करना है। ये हमने फोल्ड कर लिया। अगर एक बार में ना समझ है तो आप 2 से 3 बार जब वीडियो को देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब हम इसको कटिंग करेंगे। कैसे कटिंग करेंगे मैं तो ऐसे ही कटिंग कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पर ये जो ओपन हिस्सा है पेपर का इस तरीके से जो इधर एक साइड देखेंगे तो पूरा फोल्ड हिस्सा है, दूसरे साइड ये ओपन हिस्से है। आप जिधर से भी काटना चाहते हैं काट सकते हैं, डिजाइन सेम आएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से पेंसिल से इतना मैंने ड्रा कर लिया है। यहां से आपको जितना बड़ा फ्लावर बनाना है आप उसके हिसाब से पेपर लीजिए। मुझे जितना जरूरत था मैंने उसके हिसाब से पेपर लिया है। अब जैसे मार्किंग किया है उसके हिसाब से हम इसे कट करेंगे। ये हमने कट कर लिया है, अब हम इसे ओपन करते हैं। देखिए कैसा निकल के आता है इसमें। ये देखिए इस तरीके का फ्लावर कट के आया है जो हमने पेपर फोल्ड किया है। आप इसे इसी तरीके से कहीं पैच भी लगा सकते हैं कट करके। सेम तरीके से मैंने और भी कुछ
डिजाइन कट किए हैं मैंने, यहाँ पर पंखुड़ियों को हल्का सा कर्व में किया हुआ है। और भी है मैंने जो कटिंग किया है आपको दिखाने के लिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर नुकीला सा मैंने पंखुड़ियों को बना दिया है, ये थोड़ा कम नुकीला है। दूसरा जो है ये देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से ये तिकोना सा हमने कटिंग किया है, आप जैसा चाहे इसमें कटिंग कर सकते हैं। अब आप इसमें से जो भी फ्लावर लगाना चाहते हैं उसको हम वापस एक बार इस तरीके से सेंटर करेंगे, फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल सेंटर से हमें फोल्ड करना है इस तरीके से, क्योंकि हमें इस फ्लावर का हाफ सर्कल चाहिए। और इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से कट कर देंगे, ये हमने कट कर लिया है। इसी को रखते हुए जिस कपड़े का हमें फ्लावर बनाना है हम कपड़े पे रख के इस तरीके से और चौक से ड्रा कर लेंगे, और इसका भी कटिंग जैसा है बिल्कुल वैसा ही पेपर के हिसाब से कर लेंगे। इस कपड़े का फ्लावर बनाना है तो मैंने इसे पेपर पेस्टिंग हमने बैक साइड में लगा लिया है कपड़े के उल्टे साइड में, और ये फ्लावर हमने देखा आपने जो हाफ कट किया था मैंने, सेम साइज का हमने ये फ्लावर कट कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लगेगा कैसे, मैं वो भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे लगेगा। हमने जो ये हाफ सर्कल बड़ा वाला कट किया था उसका सेंटर करेंगे इस तरीके से, इस फ्लावर का भी हमें इस तरीके से सेंटर करना है। चौक से मार्किंग कर लीजिए या छोटा सा कट डाल लीजिए, और इस तरीके से फ्लावर का भी हमें ये जो हाफ है सेंटर से सेंटर मिलाएंगे दोनों का, और जब हम इसे स्टिच करेंगे तो ये इस तरीके से जो हाफ फ्लावर है यहाँ पे आके मिल जाएगा, और ये इस तरीके से हमारा फ्लावर दिखेगा यहाँ पर। चलिए हम इसका स्टिचिंग करके दिखाते हैं कि कैसे स्टिच होगा। ये हमने जो हाफ फ्लावर कट किया था उसे हमने इसके ऊपर मेन फैब्रिक के ऊपर ये पेस्ट कर लिया है फैब्रिक ग्लू से, दोनों का सेंटर करते हुए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और सेंटर करके सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ऊपर के फ्लावर का भी और इस फैब्रिक का भी हम इसे पेस्ट कर लेंगे, ताकि जब हम इस पे जिगजैग स्टिच करें तो ये इधर उधर हिले ना। जिगजैग करने के लिए हम जिगजैग सेलेक्ट करेंगे पैटर्न सेलेक्टर डायल से, और थ्रेड टेंशन डायल को हम 0 से 2 के बीच में रखेंगे, यानी हमने 1 पे रखा है। अब हम इसको जिगजैग करेंगे, हमने नीडल के धागे को और बॉबिन के धागे को दोनों को इस तरीके से अपने फुट के नीचे से ले लिया है। पहले आपको हैंड व्हील से घुमा के देखना है कि कहीं आपकी सुई टकरा तो नहीं रही। तो ये ठीक है, अब हम धीरे धीरे जो है मशीन को चलाना शुरू करते हैं। आपको मशीन का स्पीड जो है कम रखना है, बहुत तेज मशीन आपको नहीं चलाना। जहां जहां एक इस तरीके से कट आ रहे हैं वहां हैंड व्हील की सहायता से आप टर्न कर लें। कपड़े को घुमाते रहना है अपने नीडल के हिसाब से। इस तरीके से हमें कपड़े को अपने घुमाते जाना है डिजाइन के हिसाब से। ये हमारा पैच लग चुका है जिगजैग स्टिच से। आप और भी कोई पैटर्न सेलेक्ट करके चाहते हैं लगाना
इस पैच को तो इजीली लगा सकते हैं। आप इसमें और भी डिजाइनिंग कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप इस पे जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए पैटर्न सेलेक्टेड डायल से और इस पे डिजाइनिंग कर लीजिए। आप जो जितना इसको डेकोरेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। जब भी आपको कोई पैटर्न सेलेक्ट करना है पैटर्न सेलेक्टेड डायल से, तो नीडिल हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका नीडिल नीचे रहेगा और आप पैटर्न सेलेक्टेड डायल को घुमाएंगे तो ये हमारी सुई जो है इस तरीके से घूमती है, देखिए ध्यान से। तो हमारी सुई जो है अगर कपड़े के अंदर रही या नीचे रही तो टूट जाएगी। ये हमने दूसरा डिजाइन सेलेक्ट कर लिया है, अब हम इसको थोड़ा और डेकोरेट करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है। आप इसमें और भी कुछ डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हमें दूसरा पीस उठाना है और इस तरीके से उल्टा हिस्सा अंदर होना चाहिए और कपड़े का जो सीधा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। और हम इसको बड़ा टांका करेंगे, नॉर्मल जो है फुट लगाएंगे। और अब हम इसका स्टिचिंग करेंगे, ओपन टो फुट को हम निकाल लेंगे। अब हम इस दोनों पीस को एक साथ अटैच कर लेते हैं। ये हमने चारों तरफ से अटैच कर लिया है दोनों कपड़ों को। मैंने यहाँ पर नीचे लगाने के लिए अलग कलर का कपड़ा लिया हुआ है, एक क्रॉस में कटा हुआ है, देख सकते हैं ये स्ट्रेचेबल हो गया है क्रॉस में कटने की वजह से। हम इसका नीचे पाइपिंग लगाएंगे इसे और सुंदर बनाने के लिए। सिर्फ यहाँ से इस हिस्से में ही कर्व वाले हिस्से में लगाना है। तो इस तरीके से सीधे साइड से पट्टी को रखेंगे। मैंने क्रॉस पट्टी को एक साइड से फोल्ड किया हुआ है, जो हिस्सा फोल्ड नहीं है उसको हम इस तरीके से रखेंगे और पूरे कर्व हिस्से में इसे हम ज्वाइंट करेंगे। इस पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नॉर्मल तरीके से रख के और हमें स्टिच करना है। उतना ही मार्जिन लेते हुए हमें स्टिच करना है इस पट्टी को, जितना हमने इस कपड़े को कटिंग करते समय लिया था। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट करके निकाल देंगे। ये फिनिशिंग से फोल्ड हो सके इसके लिए हमें इस फैब्रिक को नहीं कट करना है, सिर्फ ये पाइपिंग वाले कपड़े को हमें कट करना है। थोड़ी थोड़ी दूर पे हम इस तरीके से सिलाई नहीं कटनी चाहिए, हम कट कर लेंगे। सिर्फ इस पट्टी के कपड़े को हमें कट करना है। अब हम इस तरीके से उल्टे साइड फोल्ड करेंगे और जितना आप पट्टी दिखाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको मार्जिन लेके सिलना होगा, तो उतनी ही पट्टी आपकी दिखेगी। अब हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि मैंने पहले एक साइड से फोल्ड कर लिया था इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम सीधे साइड से बिल्कुल जड़ में इसके सिलाई लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे अपने पाइपिंग को सेट करते हुए और तब मशीन चलाना शुरू करें। देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से ये पट्टी लग गई है। अब हमें जो हिस्सा बाहर की तरफ दिखाना है, ये पैच वाला हिस्सा हमें बाहर की तरफ रखना है, तो इसे हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर बना लेंगे यहाँ पर और कट डाल देंगे। ये हमने सेंटर कर लिया है, ये हमारा सेंटर है। आप कहीं भी इसे किचन में आराम से हैंगिंग कर सकें, उसके लिए हम इस तरह से एक पट्टी तैयार करेंगे। आप जितनी लंबी लगाना चाहते हैं और इसे इस तरीके से डबल करेंगे
और यहाँ पर सेंटर में उल्टे साइड से हमें रखना है, यानी जो ज्वाइंट हिस्सा है हम सेंटर से इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, और जो ओपन हिस्सा है पट्टी का ये हमें ऊपर की तरफ रखना है। और अब इसे फोल्ड करेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे इस तरीके से पूरा। यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे, यहाँ किनारे भी हम सिलाई को लॉक कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे कट कर देंगे। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं कि ये तैयार होने के बाद कैसा दिख रहा है। ये जो हमने लूपी लगाई है हैंगिंग के लिए उसे इस तरीके से खींच देंगे, कॉर्नर जो है बहुत ही फिनिशिंग से निकल के आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से ये देख सकते हैं हमारे किचन के लिए बहुत ही उपयोगी चीज बन के रेडी हो गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और आज के बाद आप रुमाल कोई पुराना कपड़ा किचन से बाहर निकाल देंगे, ये मेरा वादा है। मैं चारों तरफ से दिखाना चाहूंगी, ये देख सकते हैं जो ये हमने हाफ कटिंग किया था फ्लावर को, ये दोनों जुड़ने के बाद एक पंखुड़ी बन के तैयार हो गया है। और इसे यूज करने के लिए जो भी हैंडल होती है कढ़ाई की, आप उसके अंदर इस तरीके से डालेंगे और आप अपना बर्तन इजिली इस तरीके से उतार के रख सकते हैं। आप गर्म भी नहीं लगेगा आपको, और एक किचन में आप हैंगिंग करेंगे तो कोई भी पड़ोसी भी आपसे पूछेगा कि आपने इसे कैसे बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।